अरे दिया, पीएफ के पोर्टल से मैंने ये नई अपडेट के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड तो कर दी पासबुक, बट यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है, ईपीएफ ईपीएस और ये कैलकुलेशन कैसे है, मेरे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में अलग अलग अमाउंट क्यों आ रही है, टोटल अमाउंट मुझे कैसे मिलेगी और ये क्या है यार। और मुझे वो भी जानना है कि हमारा जो कंपनी है वो टाइम पे पीएफ भरता है या नहीं भरता है, अरे समझाना मुझे कुछ। तो दोस्तों ये सभी डिटेल्स हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं वो पीएफ के अंडर कवर्ड हो रहे हैं, बट हम कभी भी चेक नहीं करते हमारे पीएफ के पोर्टल पे कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा जो पीएफ है वो सैलरी से जो डिडक्ट किया था वो जमा किया है नहीं किया है, और जमा कर भी रहा है तो वो रेगुलर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमें चेक करना चाहिए, अगर आप मंथली चेक नहीं कर सकते हो तो क्वार्टरली जरूर से चेक कीजिए, पूरे कैलकुलेशन समझिए, एट द एंड पैसे तो दोस्तों हमारे ही है। तो ये वीडियो में हम यही सब डिटेल्स देखने वाले हैं जो पीएफ के पोर्टल पे एक पासबुक को लेके एक नई अपडेट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। दोस्तों बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो आपके फ्रेंड्स फैमिली या कलीग के साथ शेयर करना जो लोग पीएफ के अंडर कवर्ड हो रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पासबुक देखने के लिए हमें जाना है गूगल में और टाइप करना है ईपीएफ इंडिया, और यहाँ पे हमें मेंबर पासबुक के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पे साइन इन करना है आपका यूएन और पासवर्ड डाल के। तो जल्दी से मैं मेरा यूएन पासवर्ड डाल देती हूँ और लॉग इन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पासबुक का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, तो आपका जो पीएफ है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है इंटरेस्ट का, वो भी पीडीएफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक नया ऑप्शन है, हम ये पहले देख लेते हैं डाउनलोड फाइल करके। सो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी और बात है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो चलो अभी के लिए हम चले जाते हैं मेंबर पासबुक पे, तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट मेंबर आईडी। सो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका मेंबर आईडी आपको दिखेगा। अगर आपने तीन चार कंपनीज में काम किया है दोस्तों तो यहाँ पे आपको तीन चार मेंबर आईडी दिखेंगे, जिसमें से भी आपको चेक करना है कि मेरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा फिलहाल एक ही मेंबर आईडी है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। दोस्तों पहले ये दो ही ऑप्शन थे, अभी एक नया ऑप्शन ओपन हो गया है जो हम ईयरली भी हमारा पीएफ का जो कैलकुलेशंस है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्यू पासबुक न्यू ईयरली पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ईयरली भी देख सकते हो। तो यहाँ से हमें करना है सिलेक्ट जो भी ईयर का आपको कंट्रीब्यूशन देखना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे 18-19 का, तो हम यहाँ से अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल्स हमें दिख जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड पासबुक करके पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो फाइल है वो दिखेगी जिसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको प्रीवियस ईयर का ही यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, तो प्रीवियस ईयर का दिखेगा, और नेक्स्ट ईयर का देखना है तो भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ये जो फीचर्स है वो यूज कर सकते हो। इसके बाद में फ्रेंड्स वेज मंथ है, इट मीन्स कौन से मंथ का कंट्रीब्यूशन है वो आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्च का, अप्रैल, मई, ऐसे करके आपके सभी मंथ यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके बाद में है कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 04/2018। यहाँ पे इसका मतलब ऐसा है कि मार्च का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके एम्प्लॉयर को अप्रैल के 15 से पहले भरना पड़ता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अप्रैल मंथ है जिसका मई में भरना पड़ता है कंट्रीब्यूशन, तो 05 रहेगा। मई का कंट्रीब्यूशन है वो जून में भरना है तो 06/2018 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स रहेगी। सो इसके बाद में है ट्रांजेक्शन डेट। दोस्तों यहाँ पे मार्च का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके एम्प्लॉयर ने 24 अप्रैल 2018 को जमा किया था, अप्रैल का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये डेट को जमा किया था, मई का कंट्रीब्यूशन ये डेट को जमा किया था। तो इस तरीके से आपको पता भी चलेगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो रेगुलर पीएफ के पेमेंट्स करता है नहीं करता है, ये डिटेल्स आप यहां से जान सकते हो। सो इसके बाद में है दोस्तों ईपीएफ वेजेस एंड ईपीएस वेजेस। ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ईपीएस मींस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अभी दोस्तों आप वो सोचोगे कि ये जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट की होगी, यहाँ पे सभी की कैलकुलेशन है वो अलग अलग है, बट ईपीएफ एंड ईपीएस का दोनों का सेम ही रहेगा। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है जब आपका एम्प्लॉयर आपका जो पीएफ कैलकुलेट करके
फिर जमा करता है पोर्टल पे, तब ये उन्होंने ईपीएफ एंड ईपीएस की ये जो डिटेल्स है उनको डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी आपको ये डिटेल्स भी शो कर रही है, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर, ये अमाउंट के ऊपर आपका पीएफ और जो पेंशन का पैसा है वो कैलकुलेट होगा। सो दोस्तों, ये जो अमाउंट है इसके ऊपर हमें पीएफ के जो कैलकुलेशन है वो करने होते हैं। तो हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो 6503 अमाउंट है, 6503 इंटू 12% हमारे कितने होते हैं 780.36, इट मीन 781 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय के शेयर में 781 आए, इट मीन्स ये आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही आपके एम्प्लॉयर को भी आपका 12% पीएफ जमा करना पड़ता है, बट एम्प्लॉयर के शेयर में से 8.33% पेंशन स्कीम में जाते हैं और पीएफ में आपके जमा होते हैं 3.67%। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हमें एम्प्लॉयर शेयर में से 3.67% कैलकुलेट करना है और पेंशन स्कीम में 8.33% कैलकुलेशन करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे करते हैं 503 इंटू 8.33%, तो यहां पे आएगा दोस्तों 542। तो यहां पे आप देख सकते हो पेंशन स्कीम में आपका 542 आ गया। और वैसे ही अगर हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर का शेयर जो है वो कितना परसेंट है, तो 6503 इंटू 3.67%, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 238 रुपीज और 66 पैसे है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयर है जो 12% उनके हिस्से में से पीएफ में जाते हैं 3.67 और पेंशन में 8.33, टोटल मिला के 12% होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कैलकुलेशन होता है। आपको प्रॉपर चेक करना है दोस्तों कि क्वार्टरली नहीं तो मंथली, आपको जैसे भी ठीक लगे, बट आपको आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो चेक करना है और देखना है कि मेरी सैलरी में से कितना डिडक्ट हुआ था और कितना जमा हुआ है, वो जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो टोटल भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, टोटल एम्प्लॉय का शेयर कितना है और एम्प्लॉयर का जो शेयर है यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 4380 प्लस 9468 करोगे तो 14331 आ जाएगा, क्योंकि 12% जो है वो एम्प्लॉय का शेयर है और ये दोनों मिला के भी 12% होते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, देखना है। और अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।